एसीबी राजस्थान ने आज कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय के एक एनफोर्समेंट ऑफिसर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसमें मसला ये है कि हमारे जो परिवादी हैं उनसे इन्होंने एक मुकदमे में मदद करने के लिए, उसमें मुलजिम नहीं बनाने के लिए और उनकी प्रॉपर्टीज अटैच नहीं करने के एवज में 17 लाख रुपए की डिमांड करी थी। तो परिवादी ने क्या कहते हैं एसीबी मुख्यालय को शिकायत की, जिसका हमने वेरिफिकेशन कराया। सत्यापन करने के बाद हमें ये यकीन हुआ कि वाकई जो है कंप्लेनेंट से पैसे मांगे जा रहे हैं, जो कि एक अवैध रूप से मांगे जा रहे हैं, किसी वैध कार्य के लिए नहीं मांगे जा रहे हैं। तो उसको वेरीफाई करने के उपरांत, सत्यापन करने के बाद हमने ट्रैप ले किया और ट्रैप के दौरान आज के कहते हैं 15 लाख रुपए की राशि डिलीवर करते समय हमने सस्पेक्ट ऑफिसर के जो सहयोगी है उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया और सस्पेक्ट ऑफिसर को भी अरेस्ट कर लिया। सर कहां से अरेस्ट किया? जो डिलीवरी हुई थी ये निंदाना में हुई है। हमने उनके जो सहयोगी है उनको हमने निंदाना में डिटेन किया और जो सस्पेक्ट ऑफिसर है उसका घर है तहसील जमा रामगढ़ में, वहां से हमने उसको डिटेन किया। परिवादी कहाँ का है? परिवादी हरियाणा के हैं और इनका दिल्ली, गुड़गांव, मानेसर, हरियाणा में कई जगह पर बिजनेस है। तो ये है मूलतः शायद हरियाणा के। सर वो कार्रवाई इनको कौन संदिग्ध है? संदिग्धों के बारे में अभी आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा, अभी जो हमारे सामने तथ्य है वो मैं आपको समझ रही हूँ। तो ईडी जो ऑफिसर है ये इम्फाल मणिपुर के हैं? जी, ये जो ईडी के जो ऑफिसर है ये जो सब जोन है मणिपुर में इम्फाल में प्रवर्तन निदेशालय का, उसके ऑफिसर है, उसका एनफोर्समेंट ऑफिसर है। जिस मुकदमे में ये इनकी डिमांड करी थी वो मुकदमा भी इम्फाल में दर्ज है और उस मुकदमे में सिविल पुलिस ने भी जो मुख्य आरोपी है उनको अरेस्ट किया था। उसी के संबंध में इन्होंने पीएमएलए के तहत तफ्तीश करते समय हमारे जो परिवादी हैं उनको कनेक्ट किया, उनसे टच किया, उनको इंटीमिडिएट किया, थ्रेटन किया और पैसे की डिमांड की। निमाना में कोई प्रॉपर्टी कंपनी का कोई ऐसा मामला बताया? नहीं, ऐसी अभी तक प्रारंभिक तफ्तीश में सामने नहीं है। तो सब रजिस्ट्रार का बाबू मुंडावर का वो किस तरह इन्वॉल्व हुआ? वो सब रजिस्ट्रार का जो बाबू है वो जो हमारा जो सस्पेक्ट ऑफिसर है उसका मित्र है, तो उन्होंने उस मित्र को इस्तेमाल किया कि आप जाके वो डिलीवरी लेकर आए। परिवार हमारे पास 20 अक्टूबर को आया था, कंप्लेनेंट हमसे कनेक्ट हुए थे। उसके बाद लगातार हम वेरिफिकेशन के प्रोसेस में, सत्यापन के प्रोसेस में टू मेक श्योर कि वाकई जो कंप्लेनेंट बता रहा है वो सच बात है या नहीं, वो एक बार कंप्लीट वेरिफिकेशन हो। फिर हमने पीछे भी ट्रैक ले करने की कोशिश की लेकिन हमारा सफल नहीं। आज फाइनली वी वर एबल टू डू इट। पहले एक बार कार्रवाई फेल हो गई? फेल नहीं हुई, हमारा आगे पीछे चलता है। कोई आदमी घूस लेते हुए पकड़ा जाए, अब वो एसीडी का आदमी हो, ईडी का हो, पुलिस का हो, जेडीए का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी हो, सबके सामने है। और आजकल जब चुनाव आचार संहिता लग गई है तो हमारे पास तो ज़्यादा पावर है नहीं, तो ऐसे में यदि एसीबी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है तो एसीबी ने बड़ी हिम्मत दिखाई है, तो एसीबी प्रूव करेगी सारे मामले को, उन्होंने बयान जारी कर दिया है। तो ऐसे में इसको पॉलिटिकल नहीं जोड़ा जाए, करप्शन के खिलाफ जो भी कार्रवाई होती है वो पॉलिटिकली हम सोच रहे हैं, तो ये तो सामने आ जाएगा। तो रेड हैंडेड पकड़ती है एसीबी, तो पैसों के साथ पकड़ती है, वो सिर्फ नोटिस थोड़ी ना देती है। एसीबी तो नोटिस बाद में देती है, पहले पकड़ती है। दोनों में अंतर है कार्रवाई करने में, ये पहले रेड डालने जाते हैं और वो तो रेड हैंडेड पकड़ा होगा। एंटी करप्शन ब्यूरो ने हमारे राजस्थान के एक ईडी के अधिकारी को पैसे लेते हुए गिरफ्तार किया है। देखिए भ्रष्टाचार कोई भी करे बच नहीं सकता, और भ्रष्टाचार एक बीमारी है और उस बीमारी का अंत होना जरूरी है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बीजेपी कांग्रेस को पार्टीबाजी से ऊपर उठकर एक होकर पूरे देश में नीति बनानी पड़ेगी। जब भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन जाए, हर कोई भ्रष्टाचार करने लगे, तब पूरे देश को खड़ा होना होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म करना जरूरी है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार में आम आदमी पिसा जा रहा है। आप मुझे ये बताइए, जब एजेंसियों के अधिकारी भ्रष्टाचार करने लगे तो फिर न्याय की कहाँ उम्मीद है? राज्य सरकार बताना चाहती है केंद्र को कि आपके पास ईडी है, हमारे पास भी एसीबी है। नहीं, राज्य सरकार बताना नहीं चाहती एसीबी, हम तो आचार संहिता लग गई, चुनाव आचार संहिता, ना तो कोई एसीबी हमारे कहने से काम कर रही है ना कोई और। मैं गलतफहमी नहीं, खुल के कह रहा हूँ, राजस्थान के अधिकारी तो खुद केंद्र की एजेंसियों से डरते हैं। अभी हमारे कहने से काम कर देंगे क्या वो?
लेकिन जब खुलेआम कोई पैसा ले रहा हो तो हमारी एसीबी ने हिम्मत का काम किया है, उनकी पीठ थपथपानी चाहिए कि उनके पास शिकायत आई तो उनको इस वक्त आचार संहिता में कोई हमसे आदेश लेने की जरूरत नहीं। पहले ही मुख्यमंत्री तो इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, खुली छूट थी, कहाँ कार्रवाई नहीं की उन्होंने, तो सब जगह कार्रवाई की। इसलिए ये बड़ी कार्रवाई है और इससे सबक लेना चाहिए सबको, केंद्र और राज्यों को, अब आपस में मिलकर काम करना चाहिए।